नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो निकमा से चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप यहां पर आधार इंस्टा पोर्टल लॉन्च कर दिया गया 2023 में, आप कैसे इस पर आईडी बनाएंगे और आईडी बना के पूरे भारत का काम कर सकते हैं, राशन कार्ड वगैरह सारी चीज़ें यहां पर सर्विस आपका लाभ ले सकते हैं। अगर नॉर्मल व्यक्ति हैं तब भी यहाँ पर आईडी बना लेंगे, और आपको साइबर कैफ ऑनलाइन कोई शॉप चलाते हैं तो यहाँ पर आप बना के लाखों की अर्निंग कर सकते हैं, अपने कस्टमर का अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए आईडी कैसे बनानी है। चलो, अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह का पेज आएगा, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट इस पेज पे आप आ जाओगे। आने के बाद यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन आपको दिखाई देगा, डिजी लॉकर, यहाँ पर देखिए ई प्रमाण, और यहाँ पर देखिए जन पर्चे। अगर इन तीनों में से किसी भी आपका अकाउंट है तो आप बड़ी आसानी से आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। आपका अकाउंट अगर नहीं बना, न्यू अकाउंट अगर बनाना है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हम डिजी लॉकर वाले पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस, देखिए पेज खुलने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस इस तरह का आएगा। अगर आप पहले यूजर हैं, न्यू यूजर हैं, तो आपको क्या करना है, पहले देखिए साइन अप फॉर मेरी पहचान, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए आपको देखिए पहले आपको मोबाइल नंबर डालना अपना, ये आपको मोबाइल नंबर डालना अपना, पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल करके यहाँ फिल कर देंगे, जनरल ओटीपी क्लिक करके ओटीपी फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फुल नेम डालना, जो भी आपका फुल नेम है, यहाँ पर देखिए आपको डेट डालनी है, मंथ डालना है, ईयर डालना है, यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर क्रिएट यूजर आईडी आपको बना लेनी है, और यहाँ पर एम पिन बना लेना 6 अंक का, यहाँ पर आपको कन्फर्म पिन बना लेना, वही पिन दोबारा डाल देना है, और यहाँ पर टर्म कंडीशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए बैक आ जाएंगे हम। यहाँ पर देखिए बैक आने के बाद यहाँ पर अपना, यहाँ पर देखिए जो भी आईडी आपने बना रखी है, यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपने मोबाइल नंबर से आईडी बना रखी है, यूजर नेम से बना रखी है, और अदर से। अब इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। अगर अदर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन पर यहाँ देखिए सिलेक्ट आईडी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आधार और पेन और ड्राइविंग लाइसेंस, अगर इन तीनों में से किसी एक को भी डाल के अपने आईडी बना रखी है तो वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पर आधार नंबर सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आधार नंबर आपको नीचे डालना है। नीचे डाल के आप आधार नंबर से भी यहाँ पर एम पिन डाल के आप साइन इन हो सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम आपको मोबाइल नंबर से लॉग इन करके दिखाते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है आपको। यहाँ पर देखिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ये देखिए बड़ी आसानी से इस पर आप आईडी बना के पूरे स्टेट का यहाँ पर फ्री आईडी मिल रही है दोस्तों, अभी फ्री मिल रही है, बाद में यहाँ पर पैसा लगने लग जाएगा। अभी इसमें आईडी आप बना लीजिए, नॉर्मल व्यक्ति हैं तब भी आप बना लीजिए, और आप कोई शॉप वगैरह चलाते हैं तब भी आप बने। हम देखिए टिक बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे, टिक बॉक्स पर क्लिक करें, साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन क्लिक करने में यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस इस मोबाइल नंबर से आपने जितनी भी आईडी बना रखी है यहाँ पर शो कर देगी। तो आपकी आपकी आईडी कौन सी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। हमारी आईडी ये पहली वाली है। उसके बाद यहाँ पर अपना एम पिन डाल देंगे, आप एम पिन डाल देंगे जो भी एम पिन बना रखे हैं आप। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद साइन इन कर देंगे। साइन इन करने के बाद देखिए इसका इंटरफेस इस तरह खुलेगा, मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी आप फिल कर देंगे। हम यहाँ पर ओटीपी फिल कर देंगे, ये देखिए ओ टी पी फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर वेबसाइट खुल जाएगी, ये देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा आपका। यहाँ पर देखिए मोबाइल से मैं बता रहा हूँ, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो देखिए पूरे स्टेट का यहाँ पर देखिए सर्विस यहाँ पर आपको दिखेगी। उसके बाद देखिए मोबाइल से कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर कर लीजिएगा, अपने मोबाइल को डेस्कटॉप पर कर लीजिएगा इसको। ये देखिए डेस्कटॉप पर करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस यहाँ आपको, ये देखिए इस पोर्टल पर आपको शो करेगा। ये देखिए इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सारा शो कर दिया स्टेट का, यहाँ पर देखिए आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर देखिए पूरे स्टेट का यहाँ पर सर्विस यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगी। जिस स्टेट की यहाँ पर सर्विस अभी नहीं दिखाई दे रही है आप आईडी बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ समय के बाद यहाँ पर अभी न्यू पोर्टल है, अपडेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर आईडी जरूर आप बना लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए सारे स्टेट का यहाँ पर है, सभी स्टेट का काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मान लीजिए आप बिहार के स्टेट से हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए बिहार स्टेट से आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए इसकी सारी सर्विस आपको यहाँ पर शो करेगी।
ये देखिए बिहार स्टेट की सारी सर्विस यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर देखिए शो कर दी है। ये देखिए यहाँ पर बिहार स्टेट की जितनी भी सर्विस है यहाँ पर देखिए आपको शो कर रही है। यहाँ पर देखिए राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर बिहार स्टेट से हैं। देखिए राशन कार्ड खुद अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं जाने पर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर पाएंगे। ये देखिए राशन कार्ड वाले पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर खुल के आएगा। ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर राशन कार्ड, यहाँ पर एक्सेस करके न्यू करके यहाँ पर आईडी बना के और राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदर सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेंट्रल का भी सर्विस यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देखिए सेंट्रल सर्विस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेंट्रल सर्विस क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए सेंट्रल सर्विस का भी सारा काम दे रखा है। ये देखिए सेंट्रल सर्विस का यहाँ पर दे रखा है। ये देखिए उमंग ऐप जो है वो भी यहाँ पर दे रखा है। ये देखिए कोविन, यहाँ सभी डिजी लॉकर, यहाँ पर देखिए सभी प्रकार की यहाँ पर सर्विस दे रखा है पूरे भारत का। तो दोस्तों आपको मैं आईडी इस पर बना लीजिए। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना दोस्तों, इससे ऑनलाइन अपडेट आपको डेली मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय।